मम्मी से निकल रहा हूँ क्रॉसिंग, दिवाली का थोड़ा व्यू दिखा दूंगा। क्रॉसिंग में सारे जो बिल्डिंग्स सोसाइटी सजी हुई है, काफी सुंदर लगता है दिवाली के वक्त। और जो मार्केट मैंने शायद से इसके पहले क्लिप डाल दूंगा या अभी अच्छे से ले लूंगा मार्केट को, और जो भी स्टॉल्स लगते हैं ना दिवाली के पहले वो सारे स्टॉल्स को ले लूंगा और सारे बिल्डिंग्स को कवर करूंगा। तो स्कूटी में मेरे पीछे कोई चाहिए जो वीडियो बना ले, तो मम्मी को लेके आज निकलते हैं फिर। तो अभी मैं निकल रहा हूँ थोड़ा क्रॉसिंग में कुछ घर का सामान लाने, और कुछ कुछ है चीज़ें जो दिवाली के समय क्रॉसिंग कैसा दिखता है क्या है सब कुछ दिखाता हूँ मैं अभी। अब बढ़िया लग रहा है क्रॉसिंग पोल्यूशन के साथ, और कम हो जा ब्राइटनेस। तो गाइस आज मैं आप लोग को टूर करवाने वाला हूँ क्रॉसिंग रिपब्लिक के पूरा, जो भी दिवाली प्रिपरेशन और जैसे भी सस्ता है पूरा क्रॉसिंग, क्योंकि क्रॉसिंग रिपब्लिक बेसिकली एक गाजियाबाद में एक एरिया है जहाँ पे काफ़ी सारे फ्लैट्स हैं और काफ़ी सुंदर तरीके से हर चीज़ों को सजाया जाता है। एंड अभी जो आप मार्केट देख रहे थे वो बेसिकली है गलेरिया मार्केट ऑफ क्रॉसिंग रिपब्लिक, जहाँ पे नॉर्मली तो शॉप्स होते हैं बिल्डिंग्स के अंदर प्रॉपरली एकदम, बट दिवाली के टाइम पे होली के टाइम पे ऐसे कुछ स्टॉल्स अलाउ करते हैं 2-3 दिन के लिए, जहाँ पे आप देख सकते हैं फूल वगैरह माला दिवाली के कुछ पटाखे होली में रंग ये सब मिल जाते हैं यहाँ पे। तो मैंने सोचा कि थोड़ा वहाँ की वीडियोज़ आप लोग को दिखा दूँ, मुझे बहुत ही सुंदर लगता है दिवाली के वक्त क्रॉसिंग रिपब्लिक, और काफ़ी देखने लायक होता है काफ़ी बिल्डिंग्स, मेनली इतना लाइटिंग होता है कि हाईवे से भी आपको दिखेगा, NH 24 से मैं बात कर रहा हूँ हाईवे। तो हाँ, तो इसी का मैंने फुटेज लिया है और सारी बिल्डिंग्स जितना हो सके स्कूटी से मैंने कवर तो किया है, होपफुली आप लोगों को पसंद आए। एंड हाँ गाइज, लास्ट तक वीडियो देखना, इसमें मैंने ज़्यादा बोला नहीं है, जस्ट इन्जॉय और फील द वाइब ऑफ दिवाली ऑफ क्रॉसिंग रिपब्लिक, होपफुली यू लाइक दिस वीडियो। पोल्यूशन के चक्कर में वीडियो ही नहीं बन रहा अच्छे से, जितना दूर का बनाने की कोशिश कर रहा हूँ उतना ब्लरी ब्लरी सा आ रहा है, पता नहीं क्या दिक्कत है यार। पोल्यूशन में ख़राब कर दिया इस बार का दिवाली, और ये साला सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर कहते हैं दिवाली मत बनाओ, साले दिवाली नहीं बनाए। चलो एक चक्कर मार लेते हैं यहीं पर दिखाने के लिए, दिखाने में क्या दिक्कत है, गाड़ी ना आए बस सामने से। पार्क करते हैं बना से, चलो ठीक है फिर घर मिलते हैं। अब नहीं, बाद में रिकॉर्ड करते हैं, वापस जाएंगे ना बाहर फिर। तो ये है दिवाली का दिन, सो आप सभी को हैप्पी दिवाली गाइस, अच्छे से होपफुली आपने दिवाली एंजॉय किया होगा, मस्त मज़े किए होंगे। और हाँ, बट मैंने अपनी इस बार की दिवाली मेरी थोड़ी फीकी रह गई, क्योंकि मेरे कुछ फैमिली रीजन्स के कारण हम लोग इस साल कोई भी त्यौहार नहीं मना रहे थे। इस वजह से हमने सुबह सोचा कि हमारे पास खाली वक्त था तो हम चले गए गौर सिटी मॉल, जहाँ पे हमने जाके देखी 12th फेल मूवी,
जो कि काफ़ी काफ़ी बढ़िया मूवी थी। चलो उसके बारे में बात करते हैं। और हम सब गए थे एक साथ, दादाजी भी थे साथ में, मम्मी पापा, तो बहुत मज़ा आया मूवी देखने में। तो ठीक है, हाँ, ग्रेट एक्सपीरियंस था। तो सुबह का वक्त हमने इस तरीके से यूटिलाइज़ किया, शाम को ये रहा मॉल का व्यू। PVR में गए थे, हमारी मूवी PVR में ही थी। एंड लाइक मैं अब तो निकल गई होगी हॉल से, लेकिन बता रहा हूँ बहुत 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 ज़्यादा बढ़िया मूवी थी। होपफुली आप सबने देख ली होगी, और नहीं देखा तो TV में जब आए तो देख लेना। उसके बाद हम चले गए थोड़ा स्नैक्स वगैरह खाने। मैंने मंगवा लिया अपने लिए थोड़ा बर्गर और कुछ फ्राइज़, एंड मम्मी पापा ने चाय कॉफ़ी, हम लोगों ने सबने मंगवा लिया। उसके बाद लिए थोड़े मैंने मॉल की व्यूज़, और उसके बाद हम हॉल से निकले, क्योंकि हम 2-3 बज गए थे, घर में जाना था जल्दी, क्योंकि शाम का वक्त अच्छा नहीं लगता दिवाली के दिन घर खाली रहना, जिसकी वजह से हम घर निकल गए। और इतना ही था हमारा दिवाली इस बार, थोड़ा सा ऐसा खाली खाली सा गया। तो दिवाली के शॉर्ट्स लेने के चक्कर में मैं यहाँ पे आ गया हूँ। पापा भी थोड़ा सामने गए हुए हैं, और जो भी सोसाइटी के थोड़े बहुत शॉर्ट्स है वो मैं ले रहा हूँ, दिखाता हूँ मैं। होपफुली आपको मज़ा आ रहा होगा शॉर्ट्स देख के। ये बेसिकली क्रॉसिंग रिपब्लिक है, जो कि गाज़ियाबाद में पड़ता है। आ गया ताकि फोटोज़ वगैरह खींचूँ दिवाली के, क्योंकि हम लोग सेलिब्रेट तो नहीं कर रहे थे, लेकिन फ़ोटोज़ खिंचवाने में ऑब्वियसली क्या ही गलती थी। और थोड़ा फील भी आ रहा था कि चलो थोड़ा ट्रेडिशनल कपड़े पहनने का मौका भी मिल गया। तो हाँ, ओवरऑल अच्छा गया, सो फार सो गुड। फैमिली के साथ बिताया घर में, शाम को मज़े किए और TV देखा, क्रिकेट देखा।